तो उस एनर्जी को अपने को मेंटेन करना
करना है, आपको एक जज बनाना है और जज बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पसंद को होना चाहिए, खूब बनना चाहना है, उसके पीछे डेडिकेशन होना चाहिए। आज का ये जज आपको मैंने देखा हूँ कि बनना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि अभी हम कुछ सब लोगों से चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे हंसी को आया था मैं कहीं भी रुका था तो शायद कोई बोल रहे थे कि आज का ये सब कुछ करना चाहता है, लेकिन मतलब इधर उधर के कामों में इतना व्यस्त हो गए कि अपना जो मूल उद्देश्य भूल गया। हमें अपने मूल उद्देश्य का नहीं भूलना, हमें सबसे पहले एक लक्ष्य बनाने के लिए, सबसे पहली बात लक्ष्य बनाने आपको अच्छी बुकों का चयन भी करना है। अच्छी बुक कौन सी होगी? एनसीईआरटी होगी। एनसीईआरटी बुकें भी बच्चों को जरूर पढ़ाना है, क्योंकि आज चाहे यूपीएससी की बात करें, पीएससी की बात करें, चाहे आईआईटी की बात करें, चाहे जीई की बात करें, चाहे क्रेड की बात करें, तो क्रेड क्रेड आप लोगों का ध्यान नहीं होगा, क्रेड में जो हायर लेवल के जो वकील बनते हैं, जज बनते हैं, नेशनल लेवल के जो कॉलेजों में हमको पढ़ाई करते हैं, जो एलएलबी की पढ़ाई करते हैं, उस एग्जाम को बोलते हैं क्रेड, और उसमें कोई सब्जेक्ट कोई वो नहीं, मतलब उसमें कोई बंधन नहीं, कोई भी सब्जेक्ट वाला क्रेड एग्जाम दे सकता है, राज्य की बात करें एक अच्छे वकील बन सकता है। और बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, अभी बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि एजुकेशन जो पॉलिसी वो नहीं पढ़ता है, आपको अगर डॉक्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो अभी एनटीए ने नया नियम लागू किया 2 साल पहले, ये भी कई लोगों को नहीं पता, तो एनटीए ने नया नियम लागू किया कि आपका बच्चा अगर डॉक्टर बन रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ उसका इंग्लिश में जो अपना अपना जो सब्जेक्ट रहते ना इंग्लिश और हिंदी होना चाहिए। मैं तो बढ़ाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे लिए
प्रहलाद एक मिनट में मौत का रह गया और किसी को दूर ले आते नहीं चाहिए है तो मैं बोलूंगा कि मेरे समाज के बच्चों को मैं एक बार गाइड कर जाऊंगा कि राजा तो नहीं होगा लेकिन मेरा अपने आपके अंदर रहना चाहिए तो अच्छे विचारधारा को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पर मैं आया तो इधर खाने का स्वामी विवेकानंद जी का ये भाई का नाम है तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी एक बात कही थी जब वो शिकागो रहे थे तो उनकी बातचीत में बोलना चाहूंगा कि आज हमारे देश की जो युवा पीढ़ी आजकल ज्यादा की बनने खा रहा है या कोई व्यक्ति अगर मान लो कोई जरूरतमंद व्यक्ति है उसके बाद बहुत सारी प्रतिभाएं हैं लेकिन जीवन पर वो सीमित रह जाते हैं अपने हिसाब तक तो ये कोई बुरे लोगों के कारण नहीं हो रहा। मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि उनकी पंक्ति है उनका आपको अच्छा लगेगा कुछ अंदाज है अलग तेरे सोचने का कुछ अंदाज है अलग तेरे सोचने का सबको मंजिल का शौक मुझे रास्तों का सबको मंजिल का शौक मुझे रास्तों का ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ लोग बुरे ये दुनिया इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग कामों से अच्छे लोग कामों से हमें अच्छे लोग अगर आगे बढ़ेंगे हमारे जो गरीब तबके चाहे किसी समुदाय के बच्चे हो वो आगे बढ़ेंगे और जब वो मुस्कुराएंगे तो सबसे ज्यादा हमको खुशी होगी तो उन्हें सहयोग करने का हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप अच्छी सफलता प्रदान करके जिले का नाम रोशन करो।